जय हिंद दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं दुनिया का सबसे घातक हथियार या दुनिया की सबसे घातक मशीन। तो आपने दुनिया में बहुत सारी मशीनें देखी होगी, बहुत ही घातक होती है, बहुत ही विनाशकारी होती है, लेकिन ये जो मशीन है ये भी उनसे कम नहीं है, ये भी बहुत ही नुकसानदायक है और बहुत ही घातक है। तो चलिए साइंस अमेजिंग फैक्ट इस चैनल पर आज हम करते हैं इस घातक हथियार की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साहब देखिए, हमने इस मशीन की अनबॉक्सिंग कर दी है। तो हमें पहले प्राप्त हुआ है एक बॉक्स, जिस बॉक्स में है डायरी। अगर किसी का हिसाब रखना है तो हमारे पास ये डायरी दी है कंपनी ने, हम इसमें इसका हिसाब रख सकते हैं। ये हमें मिलता है दो कार्बन बुश। अगर इस घातक हथियार के अंदर बुश की समस्या हो जाए या घिस जाए, खत्म हो जाए, तो टू कंपनी ने टू जो है मेरे को दो जो है वो कार्बन बुश दिए हैं, तो इससे हम इसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये कुछ है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे बने हुए हैं, राउंड बने हुए हैं, तो ये भी इसी मशीन के किसी काम का है। और साथ में मिलता है हमारे को एक एल आकार का पाना, एल आकार का पाना जो इस मशीन के अंदर हमें कुछ काम आएगा। ये कुछ है प्लेट है, ये देखते हैं कहाँ लगते हैं। आगे आता है हमारे पास, कंपनी ने बहुत ही शानदार पेन दिया है, बहुत ही अच्छा पेन है, ये हमारे काम की चीज है। इसके अंदर है इस मशीन के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, कौन कौन सी मशीनें जो उपलब्ध हैं उसके बारे में इसका डिटेल दिया हुआ है। ये इसका शायद कार्ड है, गारंटी कार्ड है, कि अगर मशीन से या मशीन के अंदर कोई अचानक से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो कंपनी जो है हमारे को चेंज करके देती है। ये जो है पेचकस बहुत ही आवश्यक है, तो ये भी दिया है। तो चलिए हम अब इस मशीन को बाहर निकालते हैं, यानी घातक हथियार, दुनिया का सबसे जो घातक हथियार है उसको हम बाहर निकालते हैं। एक छोटा सा मास्टर पीस और दिया है, ये भी मशीन के अंदर लगाने का। तो भाई साहब, ये है दुनिया की सबसे घातक मशीन या घातक हथियार। इलेक्ट्रिक है ये, यानी कि करंट में लगने से ये अपना काम करेगी या करेगी। ये है भाई साहब दुनिया की सबसे घातक मशीन या घातक हथियार। तो चलिए जो प्लेट है हम इसको सबसे पहले चेक कर देते हैं। यहाँ जो प्लेट है शायद यहाँ है दो पॉइंट, यानी दो स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। तो फटाफट से इसको एक बार सेट कर देते हैं। ये जो कंपनी ने जो दिया है इसी के लिए दिया है कि इसके अगर कोई भी स्क्रू टाइट ढीला करने हैं तो। अब इसको देखते हैं कि काम में किस काम में आती है, यानी कि ये जो घातक हथियार है बहुत ही चैन वाली, बहुत ही खतरनाक, इसके ऊपर ये जो है चैन चढ़ी हुई है और इसके बहुत ही तिकोने, बहुत ही तीखे वाले इसके जो है कटर लगे हुए हैं। तो ये जो कंपनी जो ये देती है, बनाती है, ये किस काम के लिए बनाती है, यानी कि ये किस काम में आने वाला है या ये मशीन आने वाली काम में। तो हम इसको टाइट कर देते हैं, फिर इसको चला करके इसका भी कोई आप काम नहीं है। तो ये है हमारे पास दुनिया की जो है घातक मशीन। चलिए इसको हम, हमारे पास है इलेक्ट्रिक वायर, इसको हम इसमें जोड़ते हैं, देखते हैं। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये है बहुत ही खतरनाक, तो इसकी सावधानी बहुत ही जरूरी है, सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए लगाते हैं इसको अंदर और हम ट्राई करते हैं इसको चलती है या नहीं। अभी ये चलने की स्थिति में शायद नहीं है। वाओ वाओ, चल चुकी है शायद ये।
चेन ढीली लग रही है, तो शायद इस चेन को टाइट करने का भी कुछ सिस्टम दिया होगा इसके अंदर, क्योंकि अगर इतनी ढीली अगर चेन रहेगी तो शायद ये अपनी कार्रवाई सही नहीं कर रहा। तो जो वो हमारे पास जो है इसके अंदर एक पाना रहे, वो पाना इसके काम का है। तो हम पहले इसको वायर को बाहर निकाल दिया है, अब हम इसको ढीला करेंगे और थोड़ी इसको बाहर लेने की कोशिश करेंगे। शायद अब ये जो है चेन जो है वो टाइट हो चुकी है। बहुत ही घातक हथियार है, इसका पूरी सावधानी जो हमें रखनी पड़ेगी। चेन जो है वो अंदर तक बाहर निकल चुकी है। के अंदर से ऑयल की जो बूंदे हैं वो बाहर गिर रही है। चलो ये हो गया है, इसको करते हैं सेट। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। अब ये हो चुकी है टाइट, और अब हम कर देना चाहिए, पूरा हाथ के अंदर जो है ऑयल लग चुका है। अब हम इसको वापस से टाइट कर देंगे। ये कैसे वर्क करती है उसके बारे में अभी हम चेक करके देखेंगे, ये जो है बहुत घातक जो मशीन है वो कैसे वर्क करती है। अब इसको वापस फिर से लगा करके देखते हैं। अब क्या चलिए, तो हमारे पास है लकड़ी का टुकड़ा। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसको कटिंग करके देखते हैं। चलिए करें शुरू। आप ऐसा घर पर ट्राई करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही घातक हथियार है। या अगर हल्का सा स्पर्श भी हो गया तो हमारा शरीर से वो पार्ट कट करके अलग हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानकारी है मशीन। तो चलिए देखिए, आप ट्राई करते हैं इसको कटिंग करने की, बड़ी सावधानी के साथ। ये सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही झटके मारती है। तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं। ये जो है इसका काम सही से नहीं हो रहा। चलो सामने से इसको कटिंग करते हैं या ऊपर से कटिंग करते हैं, ये कार्रवाई नहीं हो रही। तो चलिए हमारे इसको हम थोड़ा छोटा करके देखते हैं। हमारा कोना इसका कटिंग कर दिया है, दोनों ही तरफ काट देते हैं ताकि ये जो है हमारा अच्छा दिखे, वरना हमारा जो चैनल का नाम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये बहुत ही खतरनाक है, कृपया अगर किसी के ये काम में आती है लकड़ी कटिंग के लिए, ये जो भाई किसान लोग जो हैं उनको कुल्हाड़ी और कुछ दूसरे उपकरण जो हैं उससे काटने में बड़ी दिक्कत आती है, हाथों के अंदर छाले फफोले हो जाते हैं। तो ये जो मशीन है, ये मशीन किसान के लिए, पेड़ अगर पहली बात तो ग्रीन पेड़ यानी हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ये कानून अपराध है, कानून अपराध भी है। उसके साथ साथ पेड़ जो है हमें फल फ्रूट देते हैं, छाया देते हैं। वर्तमान में कितनी गर्मी है, इस गर्मी को कम करने का एक ही माध्यम है, वो है पेड़ पौधे। और अगर हम हरे पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमारी जो धरती जो है वो वीरान हो जाएगी, यानी सूखी और बंजर हो जाएगी। तो हमारे को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जबकि और पेड़ों को लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई सूखा पेड़ है या फिर कहीं रास्ते में है, कहीं जो प्रॉब्लम्स कर रहा है पेड़, उस पेड़ को अगर हटाना है तो उसको लकड़ी या कुल्हाड़ी या फिर किसी और माध्यम से जो काटते हैं तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, और साथ साथ में जो इंसान के हाथों के अंदर और बहुत सारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो
जलन पैदा हो जाती है, यानी कि बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जो मशीन है ये बहुत ही कम टाइम के अंदर उस पेड़ को इतनी अच्छे तरीके से काटेगा, ना तो लकड़ी वेस्ट करेगा, ना ही टाइम वेस्ट करेगा, और ना ही उस इंसान के यानी कि उस वर्कर के हाथों के या फिर कहीं भी लगेगी। तो इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन सेफ्टी के साथ पूरी रात ध्यान रख करके चलाया जाना चाहिए। और ये सिंपल लोगों से नहीं चलेगी, ये अगर किसी ने जिसको जानकारी है वो चला सकता है, तो अदरवाइज कोई ट्राई ना करे, ऐसा करना जुर्म है। अगर शरीर का किसी भी पार्ट के टच भी हो गई तो ये बहुत ही तीखे, बहुत ही धारदार ब्लेडें लगी हुई है इसके ऊपर, ये ब्लेडें स्पर्श होते ही अपने शरीर के पार्ट को काट करके अलग कर देगी। तो हमें सावधानी रखनी है और ऐसी चीजों से दूर रहना है। हम पूरी सेफ्टी के साथ पूरा व्यवस्थित कर कर फिर इसका ट्राई करके ट्रायल ले करके हमने दुकानदार से शॉप से इसके बारे में पूरा जो अध्ययन है वो किया है, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके बाद हम आपके सामने इसको बता रहे हैं। तो आप ऐसा ट्राई नहीं करें, देखें इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ पहले वीडियोस के जो लिंक है वो डाल रहा हूँ, उनको भी देखें आप, इसको भी देखें, पूरा देखें और लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, हंसते रहिए और बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.